गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एई के पेपर को टारगेट करते हुए यहाँ पे क्लास को कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट को करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बुक में भी हम लोग ऐसे करेंगे जैसे कि आप लोगों को आ रहा है गोरखुर मी एंड गुप्ता एंड गुप्ता, इसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ इसको करेंगे। तो आज 17 हमारा है, इसी तरीके से 3 और लेक्चर्स आप लोगों के होंगे और इसी तरीके से 20 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को एक बार शेयर कर दें, देन उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे आज की अपनी क्लास। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखो 20 प्रैक्टिस सेट का मतलब कि 1000 क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ नए सीखे हैं। इसी तरीके से इससे पहले हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एसएससी जेई के प्रैक्टिस सेट को करा था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि 20 प्रैक्टिस सेट के ओवर होने के बाद हम लोग एक सिंगल सब्जेक्ट को उठा के जितने क्वेश्चंस उसके बन सकते होंगे, जितने आज तक एग्जाम्स में आ चुके हैं, उस तरीके से हम लोग टारगेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर तक आप लोगों के 2-3 सब्जेक्ट और यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे इस वाले लेक्चर सीरीज से। और ऑलरेडी यूथ से बीएमसी एंड एनवायरमेंट तो चल ही रहा है, और ऐसा है कि बीएमसी एनवायरमेंट अगर यूथ से चल रहा है तो कहीं ना कहीं गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, आर एगोर, इनके क्वेश्चंस भी आप लोग आसानी से लगा लोगे, ठीक है। चलिए भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को काफी नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यूके ट्रिपल एसएससी जेई पेजल का फुल सिलेबस का ऑनलाइन कोर्स है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से सेकेंड हम लोग बात करें तो राजस्थान जेई का फुल सिलेबस का ऑनलाइन कोर्स है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को राजस्थान की जीके भी मिल रही है, ठीक है। तो जीके भी आप लोगों को अवेलेबल है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अगर कंटेंट पहले से आप लोगों के लिए प्रिपेयर नहीं है, करा नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं इन कोर्सेज के साथ। इसी तरीके से थर्ड हम लोग बात करें तो यूपीपीएससी एई का फुल सिलेबस का कोर्स है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल हैं। और एक बात, जितने भी ये कोर्सेज हैं इसमें भी सिंगल सिंगल सब्जेक्ट भी अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एनवायरनमेंट पढ़ना तो एनवायरनमेंट आप लोग अलग से ले सकते हैं, और इसी तरीके से आरसीसी को अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आरसीसी को भी आप लोग ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज अगर पहले से कंटेंट प्रिपेयर है तो आप लोग क्वेश्चन सीरीज करो, ठीक है, क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए भाई स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज, इफ़ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। देखो कितनी बड़ी बात है, अगर आप लोग रिजल्ट पे फोकस करोगे कि हमारा एग्जाम निकलना ही चाहिए निकलना ही चाहिए, और करने के लिए उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे और बस सोचते रहोगे कि बस रिजल्ट ही निकलना चाहिए, और रिजल्ट निकले भी तो बस फेवर में ही आना चाहिए, ये अगर इंटेंशन से आप लोग पढ़ोगे तो फिर आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को चेंज करोगे, कहने का मतलब कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी अभी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, मुझे अपनी पढ़ाई का ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए, आप 4 घंटे से 6 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट में क्या आने लग जाएगा, चेंज आने लग जाएगा। तो इसी तरीके से और इसी माइंडसेट से आप लोगों ने पढ़ना है कि जहां पे आप लोगों को लगता है कि हम मेरी पढ़ाई और अच्छे से नहीं हो रही है या मुझे क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तो आप उस टाइम पीरियड को बढ़ाओ रेदर देन कि आप ये सोचें कि हमारा रिजल्ट आए भी तो बस फेवर में ही आए। सिर्फ रिजल्ट को नहीं सोचना है, अपने आप को चेंज करते रहो, रिजल्ट ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के तो क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ फ्री बोर्ड इन कैनाल फॉर डिस्चार्ज बिटवीन 30 to 150 क्यूमिक्स। आज के क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता से भी हैं, आज के क्वेश्चंस आप लोगों के ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हैं, और आज के क्वेश्चन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से भी है। तो ओवरऑल टोटल 55 क्वेश्चंस हैं। अब आप अपने आप को जज करो कि 55 में से आप लोग कितना भी मेंटेन करनी है। आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। आप देखो सी आंसर्स आ गया बहुत ही अच्छे, और डी आंसर्स आ रहा है, शिव कुमार जी का यहाँ पे डी आंसर्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराया था, आज लैंग्वेज चेंज हो गया क्योंकि ऐसा ही कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग आंसर्स गलत कर रहे हो। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अप टू 5 क्यूमिक्स की बात करते हैं तो फ्री बोर्ड आप लोगों का 0.5 होता है। इसी तरीके से 5 to 10 की बात करते हैं तो हमारा फ्री बोर्ड 0.6 होता है। इसी तरीके से 30 to
ठीक है, इसी तरीके से देखो 5 से 10 में हम लोग कहते हैं 0.6, और इसी तरीके से 10 से 30 में अगर हम लोगों से बोला जाए तो 0.75 आप लोगों का होता है, और इसी तरीके से 30 से 150 आप लोगों से बोला जाता है तो हमारा 0.9 होता है, और ग्रेटर देन 150 क्यूमिक्स की बात करें तो हमारा फ्री बोर्ड 1 होता है। तो ओवरऑल आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से फ्री बोर्ड है। अब पिछली बार क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, ठीक है, पिछली बार लेस देन पूछा गया था मे बी, ठीक है, तो मतलब कुछ भी थोड़ा सा सेंटेंस में ही आप लोगों का डिफरेंस था। तो यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि 30 से 150 क्यूमिक्स के लिए फ्री बोर्ड क्या होगा, तो आंसर्स क्या चला जाएगा, देखो 0.9 आप लोगों का चला जाएगा। और इसको ना ये फ्री बोर्ड वाला क्वेश्चन हर उसमें पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग जहाँ पे आप लोग अपने रूम पे पढ़ाई करते होगे तो इस तरीके के टेबल को अपने सामने लगा लिया करो, डेली डेली आप लोग देखते रहोगे तो उसके बाद वैसे ही आप लोग करेक्ट आंसर्स मार्क करोगे। क्लियर है? तो जितनी भी टेबल्स होती हैं उनको आप लोग अपने अपने आसपास लगा दिया करो, अपनी दीवारों में लगा लिया करो, अपनी वॉल्स में, और उसके बाद उनको देखते रहा करो, डेली डेली देखते रहोगे तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब आप जो भी करो, सेकंड क्वेश्चन के साथ, मैन होल्स ऑन सीवर लाइन्स आर प्रोवाइडेड फॉर, आप लोगों से बोला गया जो हमारी सीवर लाइन्स होती हैं उसमें मैन होल्स आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, क्यों कराते हैं मैन होल्स प्रोवाइड, सभी लोग आंसर्स करें, ठीक है। चलो भाई तो सभी स्टूडेंट्स आंसर्स भी करें, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें साथ ही साथ, और आंसर्स तो आप लोगों ने करने ही है, आंसर्स करें। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, देखो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं क्लास में, देखो आंसर्स करो, मैन होल्स क्या क्या आंसर जाना चाहिए, ए आंसर्स करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर्स के साथ आप लोग पीरियोडिक क्लीनिंग आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। अगर हम सीवर लाइंस में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में मैन होल्स आप लोगों के प्रोवाइड होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि आप लोग इतनी लंबी पाइपलाइंस को थोड़ी ना आप लोग मेंटेन करोगे, या इतनी उसको आप लोग क्लीन थोड़ी ना करोगे, हम लोग क्या करते हैं पीरियोडिक क्लीनिंग करते हैं जो कि हमारे बीच बीच में मैन होल्स होते हैं। इसी तरह से इस इन्हीं मैन होल्स में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग गैसेस की प्रेजेंस को भी फाइंड आउट करते हैं, गैसेस की प्रेजेंस को भी हम लोग क्या करते हैं इसी मैन होल में प्रोवाइड, इसी मैन होल में हम लोग करते हैं, जिसमें कि हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन गैसेस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। चलो भाई वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर्स था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, 55 क्वेश्चंस है, खुद ही आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को देखना कि आप लोगों के कितने करेक्ट हो रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया था परमिसिबल डिसॉल्व सॉलिड कंटेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एज पर दी BIS, कहने का मतलब IS कोड के अकॉर्डिंग कितने डिसॉल्व सॉलिड कंटेंट होने चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा हम डिसॉल्व सॉलिड कंटेंट को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो 200, 330, 410 या 500 के साथ आप लोग जाओगे। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आंसर्स करके बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। देखिए तो बिमल दास जी 500 के साथ, अजय जी, अर्जुन जी, यशवंत जी, बहुत ही शानदार आंसर। देखो डिसॉल्व सॉलिड कंटेंट की बात करें तो मैक्सिमम हमारे 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, देखो बोला गया इफ अ फेलियर ऑफ अ फाइनाइट स्लोप अकर्स इन विच फेलियर सरफेस पासिस बिलो द टो इज नोन एज, आप लोगों से बोला गया है ऐसा फेलियर जो आपको क्या दिख रहा है टो के नीचे से पास होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फेलियर सरफेस को आप लोग कौन से फेलियर का नाम दोगे, सभी लोग आंसर्स करो। देखो अगर सिर्फ टो बोला होता, अगर बोला होता कि जो भी हमारा फेलियर सरफेस बन रहा है, सपोज हम लोग अगर देखें तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो आप लोगों का फेलियर का सरफेस बन रहा है वो टो में आके आप लोगों का मिल रहा है, तो हम लोग उसे फिर टो फेलियर कह देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग टो फेलियर कहते हैं। अब लेकिन उन्होंने बोला है कि जो फेलियर सरफेस हम लोगों को देखने को मिल रहा वो बिलो टो देखने को मिल रहा है, तो कौन सा फेलियर होगा आप लोगों का। वेरी गुड भाई, बहुत ही शानदार आंसर, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन था, बेस फेलियर आप लोगों का राइट आंसर जाएगा, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट आंसर्स करके बताएंगे, और जिनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है भाई वही इस क्वेश्चन को आंसर्स कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से नया सा क्वेश्चन है, और आंसर्स करो बहुत ही शानदार आंसर्स के साथ आप सभी लोग, एंड सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक जितनी भी आप लोग पढ़ाई कर रहे थे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। आप देखो क्या बोला गया, ट्राइएक्सियल टेस्ट हम लोग करते हैं आप सभी को पता है शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, आपसे बोला गया लेंथ और डायमीटर का रेशियो कितना होगा,
ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर्स करके बताओ कि क्या होगा। और देखो जो आप लोग आंसर्स कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि लेंथ आप लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं एंड डायमीटर क्या एज्यूम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। तो सभी लोग एक्सप्लेनेशन भी दें तभी मैं मान पाऊंगी कि आप लोग आंसर्स करेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज 1, 2, 2.5 तो कोई भी कर लेंगे। चलो सभी लोग एक्सप्लेन करके बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या आप लोगों ने लेंथ को माना है और क्या डायमीटर को माना है, तब जाके आप लोगों का आंसर आ रहा है। अब देखो सी डी के साथ चल रहे हैं, सी आंसर्स के साथ जा रहे हैं आप लोग। देखो अगर हम लोग बात करें लेंथ की तो हम लोग 75 mm कहते हैं और अगर हम डायमीटर की बात करें तो 37.5 mm हम लोग कहते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ रहा है 2, तो ये 2 क्या है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब सी के साथ बहुत लोग थे लेकिन किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि सी तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, अब पढ़ा हुआ कैसे गलत हो सकता है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, चलिए जैसा भी है आंसर्स करेक्ट होना चाहिए कैसे भी दिया है। चलो सिक्स क्वेश्चन के साथ, इन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोडाइट, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं। अगर बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक थियोडोडाइट में जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सर्कल्स होती हैं वो किसके बने होती हैं, इलेक्ट्रिकल थियोडोडाइट से आप लोग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स को फाइंड आउट हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों से बोला गया है कि उसके जो वर्टिकल सर्कल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, ग्लास हैविंग स्पेशली कोडेड ग्रेजुएशन रीड बाय फोटो, या बी आंसर जाओगे कि मेटल के बने होते हैं, या सी ऑप्शन के साथ जाओगे स्टील प्लेट के साथ, या प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोडाइट अगर कॉलेज में देखा होगा तो, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आंसर्स करो। चलो भाई सभी स्टूडेंट्स आंसर्स करें और सभी लोग अपनी प्रेजेंस को मार्क करें और आंसर्स करके बताओ फटाफट से कि क्या आंसर जाना चाहिए। बी आंसर्स जा रहा है भाई, सबसे पहले आंसर्स आया अदनान जी का बी आंसर्स, वर्षा जी बी आंसर्स के साथ, पायल जी बी के साथ, अजय जी बी के साथ, वेरी गुड वेल डन। अगर हम लोग सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर्स आप लोगों का जाएगा स्पेशल स्पेशल मेटल आप लोग यूज करते हैं जिससे कि हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो भाई जितने भी बी वाले हैं उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर चल रही है। सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं, सीबीआर टेस्ट आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। आपसे बोला गया है कि सीबीआर की वैल्यू को कितने पेनिट्रेशंस में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, आंसर्स करके बताएं। अब देखो आपको पता है कि सीबीआर की वैल्यू हम लोग कैसे करते हैं, सीबीआर की वैल्यू हम लोग ऐसे करते हैं, लोड हो आप लोगों का लोड ऑफ प्रेशर जो कि हमारा उस समय हमें देखने को मिलता है कितने पेनिट्रेशंस में, वो आप लोग बताएंगे। इसी तरीके से लोड और प्रेशर जो कि हमारा होता है स्टैंडर्ड का, क्या होता है स्टैंडर्ड का, तो क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग 2.5 mm पेनिट्रेशंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर लोड की बात करें तो 1370 kg लोड हमें देखने को मिलता है, और इसी तरीके से अगर प्रेशर्स की बात करते हैं तो 70 kg/cm² हमें प्रेशर देखने को मिलता है। इसी तरीके से 5 mm पेनिट्रेशंस की बात करें तो 2055 kg हमारा स्टैंडर्ड लोड होता है, इसी तरीके से 105 kg/cm² हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। अगर क्वेश्चंस में आपको लोड दिया गया है तो आप लोग अपॉन में स्टैंडर्ड में लोड ही करेंगे जो कि 2.5 के लिए 1370 और 5 mm के लिए 2255। लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आपको लोड की जगह प्रेशर दे दिया गया है, सपोज प्रेशर दे देंगे तो आप लोगों का ऊपर तो आ जाएगा वही प्रेशर जो कि दिया होगा कि 2.5 mm पेनिट्रेशन से इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग स्टैंडर्ड क्या रखोगे 70 और 105 में से एक रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोगों का एक सवाल भी बन रहा है जो कि आप लोग करेक्ट करके आएंगे अपने एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आंसर्स क्या जाएगा, बोथ 2.5 and 5 mm पेनिट्रेशन, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करेंगे और आंसर्स करके बताएंगे। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन के साथ, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग। आप लोगों से बोला गया प्लेन टेबलिंग सर्विंग में यहाँ पर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं, सभी लोग आंसर्स करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए,
देखिए दो सी आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, प्लम्बिंग फॉग, वेरी गुड। अगर हम लोग देखो एक्यूरेट सेंटरिंग की बात करते हैं तो प्लम्बिंग फॉग आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा जब हम सेंटरिंग की बात करते हैं। देखो ध्यान रखेंगे सेंटरिंग आप लोग किस तरीके से करते हैं, ये रही हमारी प्लेन टेप, प्लेन टेबल, ये रही आप लोगों की प्लेन टेबल और ये क्या है आप लोगों का प्लम्बिंग फॉग है। हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके से टेबल में अटैच करते हैं और ये इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहता है और देन हम लोग प्लम्ब बॉम्ब नीचे ग्राउंड में लगाते हैं तो उसके बाद ग्राउंड की पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं अपने ऊपर जो प्लेन टेबल होता है उसमें हम लोग नोट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करते हैं पूरा सर्वे करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंसर क्या जाएगा, प्लम्बिंग फॉग आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। स्प्रिट लेवल की बात करें तो लेवलिंग के लिए, एलिडेट की बात करें तो ओरिएंटेशन में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और ट्रफ कंपास की बात करें तो आप लोग जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस के लिए हम लोग कंपास को यूज कर लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं आप लोग क्या आंसर्स मार्क करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी प्रेजेंस को मार्क करें और आंसर्स तो आप लोगों ने करने ही है, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। और कल तो आप लोगों का संडे है तो ओवरऑल 6 दिन आप लोगों की दो दो टाइम आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, एक दिन में 100 क्वेश्चन तो 600 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, तो 600 क्वेश्चन इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे कल आप लोग और 100 क्वेश्चन खुद से लगाएंगे। सिंपलेस्ट वे पूछा गया है प्लेन टेबल का, सबसे इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट वे है, रेडिएशन इंटरसेक्शन ट्राइवर्सिंग रिसेक्शन। आप देखो सी आंसर्स भी कर रहे हैं काफी लोग और काफी लोग ए आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो बोल रहे हैं आप लोग कि हम कल सोएंगे, ऐसा भी क्या काम कर रहे हो आप लोग हफ्ते में जो कि कल सो गए आप। आंसर्स क्या करोगे सिंपलेस्ट वे में, रेडिएशन आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट वे होता है रेडिएशन, सिंपलेस्ट मेथड होती है प्लेन टेबल की वो होती है रेडिएशन। इंटरसेक्शंस में कहें तो हम लोग ऐसे एरिया का करते हैं जहाँ पे हमें जो चीज़ क्या है विजिबल नहीं है और उसको हम लोगों ने अपनी टेबल में प्लॉट करना है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से आ गया, चलो फटाफट से आंसर्स कर लो। सीबीआर टेस्ट की अगर हम बात करें तो सीबीआर को आप लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से पेनिट्रेशन से करते हैं। चलो अब दोबारा से क्वेश्चन आ गया तो इसका एक्सप्लेनेशन अलग देंगे। अब देखो बोर्ड 2.5 एंड 5 एमएम पेनिट्रेशन से हम लोग देते हैं। अगर आप लोग कहें कि आप लोग क्या करते हैं इसको करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 एमएम पेनिट्रेशन की क्या आ जाती है वैल्यू, अगर हायर आ गई तो अगेन हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और अगेन हमारा सेम रिजल्ट आ जाता है तो फिर हम 5 mm पेनिट्रेशन की वैल्यू को ही ले लेते हैं। अदरवाइज मेन हमारा रहता है कि हम 2.5 mm पेनिट्रेशन की वैल्यू ही हमारी ज़्यादातर हायर आती है, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं अगर 5 mm की ज़्यादा आ गई तो अगेन चेक करते हैं और अगेन सेम रिजल्ट आ जाता है तो फिर हम 5 mm की ही वैल्यू को ले लेते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड। आप लोगों से बोला गया जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें हमारा व्हील लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी स्टूडेंट्स आंसर्स करें। चलो भाई आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। आंसर्स करें आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ, सभी स्टूडेंट सी के साथ हैं, बहुत अच्छे। देखो अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा लोड होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, जो भी लोड होता है वो हमारा लेयर बाय लेयर जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सब ग्रेड होगा, देन सब बेस आपका, देन बेस कोर्स आपका, देन वेयरिंग कोर्स। तो जो भी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा लेयर टू लेयर होता है या हम ग्रेन टू ग्रेन भी कहते हैं। आंसर्स ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। आगे चलते हैं, क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री इज ग्रेटर देन 60%। आपसे बोला गया क्रॉस स्लोप हमारा कितना है 60% से ज़्यादा है तो कौन सा टेरेन यहाँ पे क्लासिफाइड करोगे, सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखो आप सभी को पता है अगर हम लोगों से बोला जाए कि क्या है क्रॉस स्लोप हमारा ग्रेटर देन 60% है तो सी आंसर्स कर रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। थोड़ा सा सोच लो उसके बाद आंसर्स कर लो, ठीक है। आप लोगों को आराम से टाइम देते हैं, आराम से सोच लो और आंसर्स करो। स्टेप के साथ जा रहे हैं
क्या इस शेप ही करेक्ट आंसर जाना चाहिए? देखो 10% में हम लोग कहते हैं प्ले, 10% से 25% में हम लोग कहते हैं प्लेन, के बाद आपका आता है रोलिंग। अब 25 से 60% की अगर हम बात करते हैं, प्लेन हो गया, रोलिंग हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है माउंटेनियस। और ग्रेटर देन 60% की हम लोग बात करें तो आप लोगों क्या आता है स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए? ग्रेटर देन 60% बोला गया है तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, इट मीन्स स्टीप स्लोप आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर्स के साथ आप सभी लोग, वेरी नाइस। 13 पे चलते हैं। आप लोगों से बोला गया है अगर हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ वाटर आप लोग वहां पे ऐड करते हैं? बहुत अच्छे भाई आप, ठीक है। अब आपको पता है भाई 45 डेज, 45 भी छोड़ो आप, 30 दिन आपके रह गए हैं यूपीएई के लिए और साथ ही साथ आप लोगों के रह गए हैं आपके एसएससी के लिए। तो आप लोग अब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, सारी चीज़ों को आप लोग टिप्स में रखो। टेक्निकल तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, यहाँ से नॉन टेक को भी थोड़ा स्ट्रांग करके चलो। आंसर्स करके बताएं यहाँ पे 0.85p आप लोग आंसर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि 0.78p हम लोगों को देखने को मिलता है जब हम साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साउंडनेस टेस्ट की हम लोग बात करते हैं, ली चार्टलियर्स की हम बात करते हैं, तब हम इतना वाटर को वहाँ पे देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें नॉर्मल कंसिस्टेंसी की, तो 0.85p आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग क्या आंसर्स मार्क करते हैं। आपको एसेशन और रीजन दोनों चीजें यहाँ पे दे रखी है, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए? देखो बोला गया है कि जो प्योर लाइम होता है टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। आप लोगों से बोला गया है जो प्योर लाइम हमारा होता है वो लंबा टाइम लेता है एक अच्छी स्ट्रेंथ को पाने के लिए। रीजन आप लोगों का बोला गया है क्योंकि प्योर लाइम में स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा आप लोगों का स्टेटमेंट यहाँ पे राइट आंसर जाना चाहिए? चलो आंसर्स करके बताएं। देखो कॉन्फिडेंट आप लोग रहेंगे कि हमने अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि हमने ही सब कुछ पढ़ रखा है, बाकियों ने कुछ नहीं पढ़ रखा है, ऐसे आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अपने में आप लोगों ने कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरी तैयारी इतनी है और हमें इतनी तैयारी और करनी है। आंसर्स करके बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर जाना चाहिए। देखे तो ए आंसर्स के साथ जा रहे हैं काफ़ी लोग, बहुत ही बढ़िया भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आंसर्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, वेरी गुड। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अगर हम प्योर लाइम की बात करें तो प्योर लाइम में हमें क्या देखने को मिलेगा, 90% तक हमें कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें बहुत ही 5% तक इम्प्योरिटीज देखने को मिलेगी। बोला गया है ये लेट में हमारी इसको स्ट्रेंथ डेवलप करने में लगता है, इसीलिए लगता है भाई क्योंकि उसकी क्या है हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काफी स्लो है। तो आंसर्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। बहुत ही शानदार आंसर्स के साथ सभी लोग, वेरी गुड। जीके का बता दीजिए। देखो जीके को तो आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट करो डेली, ठीक है। जीके में स्टैटिक पार्ट को तो आप लोग देखते रहो थोड़ा बहुत, और ज़्यादा करेंट अफेयर्स को देखो। आगे चलें। पिक अप द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गुड ब्रिकर्ट हुज एक्सेस कॉजेज द रॉ ब्रिक्स श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आप लोगों से बोला गया है इनमें से अगर हम लोगों से बोला जाता है कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐसी है, कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी तो हमारा ब्रिक श्रिंक एंड वार्प करने लग जाएगा। तो एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सभी लोग फटाफट से आंसर्स करके बताएं इस क्वेश्चन का। देखिए तो सभी लोग ए आंसर्स करें, एलुमिना, वेरी गुड। एलुमिना आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर जाएगा जब हम लोग बात करते हैं कि किसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, श्रिंक एंड वार्पिंग की होगी। एक और चीज़ बहुत पूछा जाता है, अगर एक्सेस में हमें हमारा मैग्नीशिया हो गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक्चुअली मैग्नीशिया जो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल होता है वो येलो कलर के लिए होता है। अगर एक्सेस में मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों का हो गया तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हमारी ब्रिक में डीके होना स्टार्ट हो जाता है, डीके इन अ ब्रिक। ठीक है, तो हमारी ब्रिक में क्या होने लग जाता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है जब मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए 16 क्वेश्चन में चलते हैं। बिटुमिन में भी डिजॉल्व इन, आप लोगों से बोला गया है बिटुमिन किस में डिजॉल्व होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। आंसर्स करके बताएं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रताप जी, रवि जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, सौमिक जी, प्रियंका जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। एंड सभी लोग अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और आंसर्स करके बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर जाएगा। विटामिन हमारा किस में डिजॉल्व होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? आप सभी को पता है अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन हमारा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है पेट्रोलियम से। इसी तरीके से टार की अगर बात करें तो टार का हमें डिस्टिलेशन किससे देखने को मिलता है, वुड से देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन हमारा डिजॉल्व किस में होता है, डी आंसर्स कर रहे हैं आप लोग। देखो विटामिन आप लोगों का दो चीज़ों में होता है, एक होता है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 और एक होता है हमारा CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। इन दोनों में ही आपका विटामिन क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है, घुल जाता है। ठीक है, आपकी टार अगर पूछा जाता है जिसको हम लोगों ने कहा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोगों को वुड का देखने को मिलता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो आप लोगों का टार होता है वो हमारा टॉलविन में डिजॉल्व होता है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए, आंसर जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि CCl4 और CS2 ये क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। इट मींस ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द परसेंटेज ऑफ द एलुमिना एंड सिलिका इन अ गुड फायर क्ले वेरी रिस्पेक्टिवली इज, आप लोगों से बोला गया है जो हमारी फायर क्ले होती है, फायर क्ले का मतलब जो हमारी रेफ्रैक्टरी क्ले होती है, ठीक है, फायर क्ले कह दो, रेफ्रैक्टरी क्ले कह दो, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जनरली ये क्या करती है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक क्या करती है, सस्टेन करती है। इसलिए इसे हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, फर्नेसिस में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, भट्टियों में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन करने की पावर है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है एलुमिना एंड सिलिका कितना होता है। देखो अगर हम नॉर्मल कहते हैं तो नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि एलुमिना हमारा 20-30% में हमको देखने को मिलता है, और इसी तरीके से सिलिका को हम लोग 60% तक रखते हैं, 50-60। तो आप लोगों से जब फायर क्ले पूछा जाए तो क्या आंसर्स मार्क करोगे? देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, आप लोगों के अनुसार क्या जाना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, ये कौन सा आंसर्स है भाई, ऑल ऑफ दीज। देखे तो यहाँ पे अजय जी का ए आंसर्स आ रहा है और बाकी सभी लोग बी और डी के साथ हैं। ज्योति जोशी जी का भी ए आंसर्स, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। देखो लग तो ईजी क्वेश्चन रहा था लेकिन गलत हो गया फिर आप लोगों का, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्विक लाइम इज, क्विक लाइम हमारा क्या है, ये हमारा सेटिंग में स्लो है, रैपिड इन स्लैकिंग, गुड इन स्ट्रेंथ। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाना चाहिए? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रताप जी, नितेश कुमार जी, अफजल जी, यशवंत जी, संजय कुमार जी, श्यामदास जी, अदनान जी, सभी लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर्स के साथ, वेरी गुड, वेल डन। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर्स करके बताओ कि क्विक लाइम में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे अगर क्विक लाइम बोला जाता है तो आप लोगों का साफ साफ कहने का मतलब है कि हमारी यहाँ पे 95% तक हमें यहाँ पे प्योरिटी देखने को मिलती है एंड 5% हमारी यहाँ पे इम्प्योरिटी रहती है। तो ये क्या है, ये हमारा बोथ सेकेंड एंड थर्ड में जाओगे या सी को आंसर्स मार्क करोगे? सभी लोग सी आंसर्स के साथ जा रहे हैं 18 क्वेश्चन में, वेरी गुड, वेल डन। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें क्विक लाइम की तो ये हमारा सेटिंग में स्लो रहता है और रैपिड इन स्लैकिंग, स्लैकिंग का मतलब आप सभी को पता है कि पानी में हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारी स्लैकिंग की प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जल्दी हो जाती है। लेकिन स्ट्रेंथ में बात करें तो स्ट्रेंथ में ये इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग में हम लोग इसे जनरली यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग में। तो आंसर्स आप लोगों का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा और ये क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से ही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्रॉस कट शॉ इज यूज्ड फॉर। तो आप लोगों ने जब आप लोग जब बीटेक फर्स्ट ईयर में होंगे या डिप्लोमा में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की एक वर्कशॉप होती थी। तो वर्कशॉप में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट शॉ होती थी हमारे पास, ठीक है, उससे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आप लोग बनाते भी होंगे, ठीक है। तो यहीं पर इस तरीके से पूछा गया है
कि जो क्रॉस कट सॉ होती है वो हमारी क्या चीज़ के लिए यूज़ होती है, सॉफ्ट स्टोन को कट करने के लिए, हार्ड स्टोन को कट करने के लिए, या सी ऑप्शन के साथ जाओगे या ड्रेसिंग को आंसर्स मार्क करोगे। सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाना चाहिए। देखिए तो सभी लोग बी आंसर्स के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, कटिंग हार्ड स्टोन, हार्ड स्टोन को कट करने के लिए हमारी क्रॉस कट सॉ यूज होती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर्स। आगे चलें 20 के साथ। अब देखो आपसे बोला गया है स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये भी आप लोगों का गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया है कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो वाइट वॉशिंग के लिए सुटेबल होता है। अब फेट लाइम हमारा वाइट वॉशिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर सी को आंसर्स मार्क करोगे, या थर्ड को मार्क करोगे, फोर को मार्क करोगे। करेक्ट आंसर्स इज, इनमें से चूज करना है आप लोगों को कि कौन सा आंसर जाना चाहिए। आंसर्स करोगे क्या, आंसर्स करोगे? द करेक्ट आंसर्स इज, आप लोगों से बोला गया बफरिंग होना स्टार्ट हो गया। चलिए आप दिख गया होगा आप लोगों को क्वेश्चंस 20 का आंसर्स मार्क करके बताओ कि क्या आंसर्स करोगे। सी आंसर्स जा रहा है, क्या सी आंसर्स राइट होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं आप लोगों ने। देखो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो बी आंसर्स कर रहे हैं। देखो ऐसी ही मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। आंसर जाएगा बी का, फेट लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग। थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोर्टार। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट होगा। आपको मैंने बताया है अगर हम फेट लाइम की बात करें तो फेट लाइम में हमें क्या देखने को मिलेगी, प्योरिटीज बहुत देखने को मिलेगी, और इसी के कारण हम उसे व्हाइट वॉशिंग में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोलिक लाइम की बात करें तो इसे हम लोग मोर्टार में यूज़ करेंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। साइड फेस रेनफोर्समेंट सेल बी प्रोवाइडेड इन द बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इन अ बीम डेप्थ ऑफ द वैप इन अ बीम एक्सीड्स। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट हम लोग कब प्रोवाइड कराते हैं। देखो अगर हमारी डेप्थ ऑफ द बीम अगर हमारी कम है तो हमें साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की क्या है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी क्या है, डेप्थ ऑफ द बीम हमारी ज़्यादा हो जाती है, डेप्थ ऑफ द बीम क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए, सभी लोग आंसर्स जरूर करें। अब जूम है, अब सारे क्वेश्चन जूम है, वो आप लोगों के थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे इसलिए बिल्कुल जूम कर दिया है, ठीक है। टेंशन ना लो, आप लोगों की आईज खराब नहीं होगी। आंसर्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। 75 सेंटीमीटर आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। एक सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, कहीं पे आप लोगों को 750 mm दिया रहता है, कहीं पे 75 सेंटीमीटर दिया होता है। इससे ज़्यादा अगर डेप्थ हो जाएगी तो फिर हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट आंसर्स करके बताते हैं। देखो जो हमारी रिब्ड स्लैब होती है इसमें आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम कितने डायमीटर का बार आप लोग यूज करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी जो इस क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है। अब आंसर्स करो कि रिब्ड स्लैब में मैक्सिमम डायमीटर का बार कितने तक हम लोग यूज कर सकते हैं। आंसर्स करें प्लीज कि 22 में क्या आंसर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। देखो ए आंसर्स आ चुका है, शिव कुमार जी का डी आंसर्स आ रहा है, नवीन राणा जी का डी आंसर्स, सौमिक जी का डी आंसर्स, वेरी गुड। अब बाकी सभी लोग ए के साथ हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर जाएगा 22 mm के साथ। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। अगर हम लोगों से बोला जाए रिब्ड स्लैब में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार तो करेक्ट आंसर 22 mm आप लोगों का होगा, ठीक है। आगे चलें 23 के साथ। आपसे बोला गया है नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो, रो रो लिखा है, ठीक है, RAW रो। तो आप लोगों से बोला है कौन सी फाउंडेशंस को प्रोवाइड कराएंगे। कहने का मतलब इस तरीके से आपके कॉलम्स क्या हैं, रो में हैं, और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इस तरीके से रो में हैं
तो यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड कराओगे, ड्राफ्ट फुटिंग कराओगे, स्टेप फुटिंग होगी या स्टेप फुटिंग होगी? आंसर्स प्लीज फास्ट, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए? सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए। अब देखो स्ट्रैप में तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग स्ट्रैप में क्या कहते हैं कि एक कॉलम है हमारा, दूसरा कॉलम है, इसको हम लोगों ने अगर बीम से कनेक्ट कर दिया तो फिर हम इसे स्ट्रैप फुटिंग में रखते हैं। अब आप लोगों से बोला गया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे रो में है, तो क्या आंसर्स करेंगे यहाँ पे? देखे तो आंसर्स करने स्ट्रिप के साथ, बहुत ही अच्छे। ये हमारी कौन सी फुटिंग है? ये हमारी स्ट्रिप फुटिंग है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर्स होना चाहिए। बहुत अच्छे। 24 में चलते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ द टेंशन रेइनफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट एक्सीड, आप लोगों से बोला गया है अगर बीम की बात करें तो मैक्सिमम कितना एरिया होता है इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 0.15%, 1.5, 4%, 1%। सभी लोग आंसर्स करें इस क्वेश्चन। आंसर्स करके बताओ कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द टेंशन रेइनफोर्समेंट इन बीम्स। आंसर्स कह रहे हैं 4%। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। देखो मैक्सिमम एरिया टेंशन के लिए बोल दें या कंप्रेशन रेइनफोर्समेंट के लिए बोल दें, ठीक है, कंप्रेशन रेइनफोर्समेंट के लिए बोल दें या आप लोगों की टेंशन रेइनफोर्समेंट के लिए बोल दें, आंसर्स हमेशा 4% ही आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 25. As per the IS 456, the pH value of water shall be. पानी का pH value कितने तक होना चाहिए? Less than 6, equals to 6, not less than 6, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करोगे, equals to 7. अब देखो आप लोग काफी आंसर्स को करेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज को करेंगे, उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे फिर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की टेक्निकल की ठीक तैयारी है, बस आप लोग नॉन टेक में थोड़ा अच्छे से फोकस करो। यहाँ पे क्या आंसर्स करेंगे? नॉट लेस देन 6 आंसर्स करें, बहुत ही बढ़िया। अगर देखो हम पी एच वैल्यू की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ए ई में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि पी एच वैल्यू ऑफ वाटर कितना होता है। आंसर्स करेंगे कि 6 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर्स। आगे चलते हैं 26 के साथ। द हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ द स्टेप इन अ स्टेयर केस, आप लोगों की सीढ़ियों में जो हमारा हॉरिजेंटल पोर्शन होता है, ये राइज है, फ्लाइट है, विंडर है या थ्रेड है? सभी लोग आंसर्स करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए? बिल्कुल सारे सब्जेक्ट के कराएंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे आंसर्स करो कि क्या आंसर जाएगा। सी आंसर्स करें थ्रेड, थ्रेड ही करेक्ट आंसर्स होगा। यस सभी लोग डी के साथ, बहुत ही शानदार, थ्रेड आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। अगर हम लोग स्टेयर्स की बात करते हैं, देखो अगर हम लोग देखें स्टेयर्स में तो आप लोग देखते भी हैं कि हमारा जो हॉरिजेंटल पोर्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा, इसको ही आप लोग थ्रेड कहते हैं, ठीक है। और राइजेस आप लोगों को ये वाला पोर्शन देखने को मिलता है, और इसको हम लोग न्यूअल पोस्ट कह देते हैं। इधर हमारी लैंडिंग होगी, और बीच में जितने भी हमारे हैं ये सारे के सारे बॉलिस्टर्स हो गए आप लोगों के, तो ये सारी चीज़ें तो हमने अच्छे से पढ़ी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे बोला है एक फाउंडेशन को आप लोग सेलो फाउंडेशन कब नाम दोगे, जब उसकी डेप्थ 1/4 होगी विथ के, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर्स मार्क करोगे, या सी के साथ जाओगे, या डी आंसर्स राइट करोगे? आंसर्स करके बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर जाना चाहिए। आंसर्स कह रहे हैं हाफ ऑफ इट्स विड्थ, वेरी गुड भाई, बहुत ही शानदार। अगर हाफ ऑफ इट्स विड्थ आंसर्स मार्क कर लिया तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी टेक्निकल की तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे हो। आंसर्स क्या जाएगा? देखो बी आंसर्स आ रहा है हाफ ऑफ इट्स विड्थ, यही तो गलती है। अब मैं नहीं कहूँगी आप लोगों से कि आपकी तैयारी अच्छी है। देखो क्या है, अगर हम लोग डी बाई बी की बात करें, अगर हम कहते हैं लेस एन इक्वल्स टू वन, कहने का मतलब हमारी जो डेप्थ होती है
वो या तो लेस देन है आपकी विड्थ के या इक्वल्स टू हमारी विड्थ के है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारी सैलो फाउंडेशंस है। अगर वो हमारी ग्रेटर देन है तब जाके वो हमारी कहलाती है डीप फाउंडेशन। इट मीन्स आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हाफ ऑफ दी विड्थ का कोई भी ऐसा रिलेशन आपका नहीं होता है, जो कि आप लोग बी आंसर्स मार्क कर रहे हो। ऐसे आंसर्स मार्क करते हो करोगे तो फिर तो गलत ही होगा। आगे चले 28 के साथ। एनआरसीसी रूफ स्लैब इज डिजाइन एज अ टू वे स्लैब। आपसे बोला गया है अगर स्लैब को हम लोग टू वे स्लैब कहते हैं तो ये क्या कब कहेंगे, यदि क्या होता है अगर इट सपोर्ट्स लाइव लोड्स इन बोथ डायरेक्शंस, या बी ऑप्शन के साथ जाओगे कि जो इसका रेशियो है स्पैन का दो डायरेक्शन में वो हमारा लेस देन टू होगा, या सी ऑप्शन को राइट करोगे या डी के साथ। चलो भाई आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग 28 का आंसर्स क्या जाना चाहिए। देखिए तो बी आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। द रेशियो ऑफ द स्पैन इन टू डायरेक्शन इज लेस देन टू। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा। एल वाई बाई एल एक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर लेस देन टू है तो ये हमारी क्या है टू वे स्लैब है। इसी तरीके से एल वाई और एल एक्स की अगर है तो ये हमारी ग्रेटर देन टू है तो इसको हम लोग कहते हैं वन वे स्लैब। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। 29 पे चलते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं, किनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है। बोला गया है बियरिंग प्लेट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, किस किस चीज के लिए हम लोग बियरिंग प्लेट्स को यूज कर रहे हैं, क्या फिक्स करने के लिए। आंसर्स करके बताएं सभी लोग, और सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें, और आप लोगों ने आंसर्स करने हैं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। बियरिंग प्लेट्स को हम लोग क्या फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। सी आंसर्स कर रहे हैं बुल हेडेड रेल्स टू दी वुडन स्लीपर्स। सभी लोग आंसर्स करें। देखो शिव कुमार जी, दिनेश जी, संजय कुमार जी का ए आप गया है, सौमिक जी का ए आंसर्स, कविता जी का ए आंसर्स, बाकी सब लोग गलत आंसर्स कर रहे हैं। क्या आंसर जानना चाहिए 29 का। 29 का जो करेक्ट आंसर्स होगा वो होगा फ्लैट फुटेड रेल्स टू दी वुडन स्लीपर्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। देखो देखते हैं कुछ इसमें, देखो फिक्स प्लेट्स आप लोगों की क्या होती है। फिक्स प्लेट्स हमारी होती है जो हमारे रेल जॉइंट्स में, जो आप लोग देख रहे हैं रेल जॉइंट्स में क्या हरी है, इसको हम लोग रेल जॉइंट्स में यूज करते हैं। जनरली ये स्टील की बनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये तो फिश प्लेट है। अब बात आ रही है बियरिंग प्लेट की, ये हमारी कास्ट आयरन और स्टील प्लेट की बनी होती है। इसे कहाँ पे यूज़ करते हो, देखो बिटवीन द फ्लैट फुटेड रेल एंड वुडन स्लीपर्स ऑफ अ रेल ट्रैक। जो हमारी रेल के फ्लैट फुटेड होती हैं और साथ ही साथ वुडन स्लीपर के साथ हम इसे ज्वाइन करते हैं, जैसे कि देख भी पा रहे हो इस तरीके की बनी होती है। स्पाइक्स, कल हम लोगों ने स्पाइक का एक क्वेश्चन करा था, ये हमारी क्या होती हैं, रेल को वुडन स्लीपर्स में फिक्स करने के लिए हम लोग स्पाइक को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ये भी वुडन स्लीपर्स के लिए है, ये भी वुडन स्लीपर्स के लिए है, बियरिंग प्लेट्स एंड स्पाइक्स दोनों के दोनों। इसी तरीके से देखो बियरिंग प्लेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती है जो कि माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन दोनों से बनी होती हैं, दोनों में से किसी से भी बनी हो सकती हैं, और इसे हम लोग फ्लैट फुटेड रेल्स में यूज़ करते हैं जिससे कि ये हमारे लोड को स्लीपर्स में आराम से क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, और जनरली हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं एट हाई स्पीड। क्लियर है सभी लोगों को, तो आंसर्स आप लोगों का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप देखो इस क्वेश्चन को भी जो करेक्ट आंसर्स करके बताएंगे उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है। बताओ विंग रेल्स आर प्रोवाइडेड, विंग रेल्स को हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और आंसर्स तो करने ही है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए आंसर्स। इलेक्ट्रिकल की बदलाव बैच बिल्कुल होगी, आप लोगों की मंडे से हो जाएगी। अब यहाँ पे आंसर्स करो कि विंग रेल्स हमारा कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। देखो सी आंसर्स आ गया है, बहुत ही बढ़िया।
अगर हम बात करें तो अभी तक एक ही स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है प्रताप जी का, बाकी सभी लोग सी आंसर्स के साथ हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं विंग रेल्स की, तो 30 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन क्रॉसिंग। देखो आप में से 60 स्टूडेंट में से एक भी करेक्ट कर रहा तो सिलेक्शन का भी तो यही है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो आप लोग, क्या आंसर जाना चाहिए। देखो विंग रेल्स आर प्रोवाइडेड इन क्रॉसिंग्स। अब देखते हैं कहाँ पे है विंग रेल्स। देखो ये है हमारी विंग रेल, ये दिख रही है आप लोगों को, ये और ये है हमारी विंग रेल्स, इसको हम लोग क्रॉसिंग नोज कहते हैं। और ये जो हमारी है जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं दो रेल हमारी जा रही है, उसके बाद ये हम लोग क्या कर रहे हैं इसको क्रॉसिंग्स में यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो विंग रेल्स कहाँ पे यूज करते हैं, क्रॉसिंग में यूज करते हैं। तो अब मैंने डायग्राम भी आप लोगों को दिखा दिया, एग्जाम में आ जाएगा तो बिल्कुल आंसर्स मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप लोगों के माइंड में सही चीज स्ट्राइक कर जाए। आंसर्स क्या जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो विंग रेल्स है वो क्रॉसिंग में यूज होता है। कोई बात नहीं, रेलवे नहीं पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो जितने यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलें। इस तरीके से हमें विंग रेल देखने को मिलती है। अब डायग्राम भी दिख गया कि क्रॉसिंग्स में हमारी कौन सी रेल प्रोवाइड करा रहे हैं, विंग रेल को हम लोग प्रोवाइड करा दें। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंस्ट्रक्शन टीम मींस, अब देखो भाई आप लोगों को बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, आंसर्स करके बताओ। वैसे रेलवे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, टेंशन ना लो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स करो। कंस्ट्रक्शन टीम मींस, कंस्ट्रक्शन की टीम का मीनिंग क्या होता है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ओनर, ऑल ऑफ दी अबव, किन किन से मिलकर एक कंस्ट्रक्शन की टीम बनती है। देखो आप लोगों को भी इंक्लूडेड कर दिया है इसमें, इंजीनियर्स को भी इंक्लूडेड कर दिया है, ठीक है। आपको भी देखो इंक्लूडेड कर दिया इंजीनियर्स को भी। अब आंसर्स करके बताओ कि कंस्ट्रक्शन टीम का मतलब क्या होता है। देखो आप लोगों को भी हमेशा ये रियलाइज होना चाहिए कि आप लोगों को अभी नहीं आता, जब तक आप लोगों को ऐसा रियलाइज होता रहेगा कि हमें नहीं आ रहा, हमारे आंसर्स गलत हो रहे, तो आप लोग उतना ज़्यादा पढ़ोगे। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, फिर आप सोचोगे कि हमें तो सब कुछ ही आता है, तो फिर पढ़ाई करना छोड़ दोगे। तो इसीलिए आप लोगों से ये कहना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं आता। क्या आंसर्स करोगे, ऑल ऑफ दी अबव, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा कि कंस्ट्रक्शन टीम मीनिंग मतलब होता है कि उसमें इंजीनियर्स भी है, आर्किटेक्ट भी है, ओनर भी है। अगर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें तो पहले तो भाई ओनर के पास है, ओनर क्या करेगा, देन आर्किटेक्ट, देन फिर उसके बाद इंजीनियर को वर्कशॉप देगा। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करते हैं। आपसे बोला गया वर्क कॉस्टिंग लेस देन 20,000, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा। चलो आंसर्स करो कि 20,000 से हमारी लेस देन है वर्क, तो ये हमारी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए है, मेजर के लिए, माइनर के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव, आप लोग आंसर्स मार्क करोगे। देखो पिटी वर्क आंसर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पिटी वर्क ऑप्शंस में नहीं है तो पिटी वर्क याद आ रहा है। देखो क्या होगा, लेस देन 20,000 की अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं पिटी वर्क। अब जब ऑप्शंस में पिटी वर्क नहीं है तो क्या आंसर जाना चाहिए आप लोगों का, आंसर्स करके बताओ कि जब 20,000, अब यही तो क्वेश्चन आते हैं, अगर डायरेक्ट ही पूछ लेंगे तो फिर तो सभी कर लेंगे। आंसर्स क्या करोगे, पिटी नहीं है। देखो लेस देन 20,000 में हम लोग कहते हैं पिटी वर्क, इसी तरह 20,000 से हम लोग 1,00,000 तक कहते हैं कि हमारा माइनर वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं 20,000 यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब बोला गया है लेस देन 20,000, तो अगर पिटी नहीं है ऑप्शन में तो माइनर प्रोजेक्ट हमारा ये है। और फिर हम लोग ग्रेटर देन 1,00,000 की बात करते हैं तो फिर हमारा मेजर आ जाता है। चलो 33 में, रेलवे प्रोजेक्ट्स आर ट्रीटेड एज, रेलवे प्रोजेक्ट हमारे किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, लाइट कंस्ट्रक्शन, हैवी, इंडस्ट्रियल, नन ऑफ दीज। आंसर्स करके बताओ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें और आप लोग आंसर्स करके बताएं कि क्या आंसर्स जाना चाहिए। देखो ध्यान रखोगे, अगर हम लोग लाइट कंस्ट्रक्शन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो भी हमारी क्या है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आप लोग रह रहे हैं,
रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर बोला जाता है तो हम लोग कहते हैं लाइट कंस्ट्रक्शन, और अगर हम पावर हाउसेस की बात करते हैं, पावर हाउसेस की, तो ये हमारे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। अब जब रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो रेलवे प्रोजेक्ट कौन से में आता है? देखो काफ़ी लोग सी आंसर्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग बी के साथ। देखो 33 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जाएगा हैवी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर्स होगा। देखो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है वो लाइट कंस्ट्रक्शंस में आती है, और अगर हैवी कंस्ट्रक्शन में बात करें तो रेलवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस में बात करें तो हमारे पावर हाउसेस आते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 34। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, तब तक आप लोगों को एक मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं कौन यहाँ पे राइट आंसर्स करके बताते हैं। क्या आंसर्स करेंगे यहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या आंसर जाना चाहिए इस क्वेश्चन का? देखे तो बी और सी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, अभी तक तो कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व। देखो एक्सपेक्टेड टाइम पूछा गया है, तो टी नॉट प्लस 4 TL प्लस TP डिवाइडेड बाई 6 आप लोग बोलते हैं। आप देख रहे हैं टी नॉट हमारे पास क्या है, 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। वेरिएंस की बात करें तो TP माइनस टी नॉट अपॉन 6, और TP हमारे पास क्या है, 7 है, टी नॉट हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये 5/6 हमारा आ रहा है, और ये वाला क्या सॉल्व होके आ रहा है, सभी लोग बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3.5 अप्रॉक्स आएगा। देखो सी आंसर आ रहा है, काफ़ी लोगों का ए आंसर आ रहा है, क्या आंसर जाना चाहिए। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ठीक है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर्स करेंगे, ठीक है, आंसर्स करके बताओ। देखो एक चीज़ देखो इसमें कि 5/6 को आप लोग डिवाइड करके देखो कि क्या आंसर्स आ रहा है, और इसको देखो कि क्या आंसर्स आ रहा है, क्या आंसर्स करोगे। देखो टीपी ये जिस बुक में आप लोगों ने देखा है तभी आप लोग सी आंसर्स मार्क कर रहे हो, जिस बुक में आप लोगों ने देखा है वहाँ पे सी आंसर्स दिया है शायद। देखो टीपी में देखो पेसिमिस्टिक टाइम हमारा तो यही है 7, और ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा 2 है, तो हमारा आंसर्स तो 3.5 और 5/6 आ रहा है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन तो ए जा रहा है, ठीक है। अब देखो बुक में आप लोगों ने देखा है सी और तभी आंसर्स मार्क कर रहे हो सी, और यहाँ पे 1 से 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बिल्कुल ए आंसर्स करा, बाकी सब लोग सी के साथ थे। अब सी को वहाँ एग्जाम में भी करके आना, कभी कभी इतना भी याद नहीं कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ द बार चार्ट। आप लोगों से बोला गया है कि बार चार्ट की वीकनेस क्या क्या होती है, ठीक है, आंसर्स करो। देखो ध्यान रखेंगे बार चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बार चार्ट हमारा क्या होता है, आपको मैंने हमेशा से बताया है कि बार चार्ट के मॉडिफिकेशंस में हमारे पास कौन आता है, माइलस्टोन चार्ट आता है। कौन सा आता है, माइलस्टोन चार्ट हमारा बार चार्ट का मॉडिफिकेशंस में आता है। जब बार चार्ट में हमें कमियां देखने को मिली तो उसके बाद हमारा माइलस्टोन चार्ट आया, ठीक है। फिर उसी के बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर हमारा CPM पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, समझ पा रहे हो। अब देखो हम लोग बात करें तो आंसर्स करके बताओ कि बार चार्ट में हमें क्या कमियां थी तो जब माइलस्टोन चार्ट में हुई। देखो एक्चुअल में ये होता है कि जो बुक में आंसर्स होते हैं हम लोग बहुत लेट करते हैं ये समझने में कि बुक का आंसर्स गलत है, क्योंकि बुक तो सच्ची है। आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। देखो हमें यहाँ पे ना ही इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है एक्टिविटीज़ में, ना ही हमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने को मिलती है, ना ही हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। इट मीन्स डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। एक और बात, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था अगर हम बार चार्ट की बात करते हैं तो बार चार्ट हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत कम छोटे कामों के लिए यूज़ होता है, बहुत स्मॉल वर्क्स के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, बार चार्ट यूज़ होता है। इसी को ही इम्प्रूवमेंट के लिए क्या आया, माइलस्टोन चार्ट आया। अब आंसर्स करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग इज कॉल्ड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? अब देखते हैं कि किसने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो क्या बोला गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं, दोबारा से प्लान कर रहे हैं, ये किन चीज़ों में आता है? तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आज देखते हैं कि किसने पहले वाली बात को याद रखा है। इसमें रिसोर्स लेवलिंग आंसर्स करोगे, रिसोर्स स्मूथनिंग आंसर्स करोगे, अपडेटिंग आंसर्स करोगे या क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग आंसर्स करेंगे। चलो फटाफट से आंसर्स करके बताएं। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है उसमें आप लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप इसमें आंसर्स करके बताओ। वेरिएंस पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, यस स्टैंडर्ड डेविएशन, यस बिल्कुल सही बात है भाई। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला पूछा क्या गया था, वेरिएंस पूछा गया था यहाँ पे, यस ये सिग्मा हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है। सिग्मा स्क्वायर आप लोगों का होगा 25/36, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सी वाले राइट आंसर्स कर रहे थे लेकिन रीजन नहीं बता रहे थे, जबकि मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो क्लिक हो गया कि अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस की तब हमारा 5/6 आंसर्स होता है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था वेरियंस तो आंसर सिग्मा स्क्वायर के साथ जाएगा। अब तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं। देखो हम लोग बोल रहे हैं इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और दोबारा से रीप्लानिंग के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? सभी लोग आंसर्स करें अपडेटिंग। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या हम दोबारा से रीशेड्यूल कर रहे हैं, दोबारा से रीप्लान कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अपडेटिंग होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखो आप लोगों को बोला गया है फर्स्ट मेथड जो कि इन्वेंट करी गई थी प्लानिंग प्रोजेक्ट में, ये कौन सी मेथड हमारी थी? बार चार्ट मेथड थी, माइलस्टोन चार्ट थी, क्रिटिकल पाथ मेथड या आपकी पर्ट थी? सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, क्लिक हो गया तो राइट आंसर्स कर लिया, नो डाउट। यहाँ पे आंसर्स करो। देखो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि आप लोगों का जब बार चार्ट में हमें कमियाँ देखने को मिली, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा था, ना ही एक्टिविटीज़ की इंटरडिपेंडेंसी पता लग रही थी, ना ही कुछ पता लग रहा था, इसी को मॉडिफाइड करने के लिए फिर माइलस्टोन चार्ट आया। देखो सबसे पहले बार चार्ट आया, देन माइलस्टोन चार्ट आया, उसके बाद हमारी सीपीएम मेथड एंड देन पर्ट मेथड हमारे पास आई। इसका मतलब आंसर्स क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर्स होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलें 38 के साथ। डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी आपकी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करी गई है, इसे हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये हमारा कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं करती है। ऑल ऑफ दी अबव के साथ आंसर्स मार्क करोगे। सभी लोग आंसर जरूर करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? देखो आप लोगों को जब मैंने सीपीएम एंड पर्ट का बताया था तो मैंने आपको बताया था कि डमी एक्टिविटी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें ना ही कोई रिसोर्सेज, ना ही कोई टाइम ड्यूरेशन, कुछ भी नहीं लग रहा। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ्लो चार्ट की, अपने चार्ट बनाने की, जो भी हम हमारे स्टेप्स होते हैं उस रोल को फॉलो करते हैं कि हमने कौन सा रोल पढ़ा था, कि जैसे एक हमारा इवेंट है और दूसरा है, तो एक एक्टिविटी जो ए ये है और दूसरी एक्टिविटी ये बी है, तो हमारी दो एक्टिविटी का सेम स्टार्टिंग सेम एंड पॉइंट नहीं हो सकता। यही पढ़ा था हमने रूल, और इन्हीं रूल्स को ओवरकम करने के लिए कहें तो या हम कहें कि इन चार्ट के रूल्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास कौन आती है, डमी एक्टिविटीयां आती हैं जिसे हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस है, ये हमारी डॉटेड लाइन से शो होती है, कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं करती है, तो आंसर्स ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाएगा। आगे चलें, सिंकिंग फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं, और जो बताएंगे उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर। सभी लोग आंसर्स करें इस क्वेश्चन को, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए कि सिंकिंग फंड हमारा क्या है?
देखो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे कि ऐसा फंड है जिसे हम दोबारा से रिबर्ट कर रहे हैं जब उसकी इकोनॉमिक लाइफ ओवर हो चुकी है, या बी के साथ जाओगे या सी के साथ जाओगे या डी आंसर्स को करोगे कि ऐसी मनी है जिसे हम लोग एडिशनल स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के लिए रखते हैं। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा? देखो सभी लोग डी आंसर्स के साथ हैं, बहुत ही बढ़िया। 39 का डी आंसर्स करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, डी आंसर्स करेक्ट। क्या पूछा गया है? सिंकिंग फंड, ऐसा बोला जा रहा है डी ऑप्शन में कि हम एडिशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोग सिंकिंग फंड की मनी को रख रहे हैं। क्या ये राइट आंसर्स होना चाहिए? देखे तो शिव कुमार जी का ए आंसर्स है, वेरी गुड भाई, बहुत ही शानदार। और देखे संदीप कुमार जी का ए आंसर्स, वेरी गुड। बाकी सभी लोग डी के साथ, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसको नोट कर लेना, अगर हम लोग सिंकिंग फंड की बात करते हैं तो सिंकिंग फंड हमारा कहलाता है, उस फंड को हम लोग कहते हैं जो हम लोग किसके लिए रखते हैं, जब हमारी बिल्डिंग की लाइफ ओवर हो जाती है उसके बाद हम उसे रीबिल्ड करना चाहें तो इसके लिए जो पैसा हम लोग जमा करके रखते हैं उसको हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि एडिशनल स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने पैसा रखा है, नो। आप लोग आंसर्स करेंगे कि हम लोग रीबिल्डिंग के लिए, दोबारा से हमने कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए जो पैसा आप लोग रखते हैं, वो आंसर्स आप लोगों का जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। एक और बात ध्यान रखेंगे, सिंकिंग फंड में हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग मनी को रखते हैं, फंड को जमा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10% की मनी तो हमें कहाँ से मिल जाएगी, स्क्रैप वैल्यू से मिल जाएगी, कबाड़ की वैल्यू से मिल जाएगी। इसीलिए आंसर्स ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सिंकिंग फंड में यही पॉइंट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्रिटिकल पाथ लाइज अलॉन्ग दी एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोर। आप लोगों से बोला गया है क्रिटिकल पाथ क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, सबसे कम फ्लोट वैल्यू होती है। फ्लोट का मतलब होता है रिलैक्स करना, डिले करना काम को। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स जाना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सभी लोग आंसर जरूर करें इस क्वेश्चन में, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स जाना चाहिए। यस, प्रज्ञा गौतम जी का भी यही आंसर्स था, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में आंसर्स करो, सी आंसर्स करें, जीरो। यस, क्रिटिकल पाथ हमारा लाई करता है जब सारे के सारे फ्लोट हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तभी मैंने आप लोगों से कहा फ्लोट का मतलब क्या है, रिलैक्स। तो क्रिटिकल पाथ में क्या होगा, कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं होगा, कोई भी काम में डिले नहीं होगा, उस पाथ को फॉलो करना ही करना है। आगे चलते हैं 41 के साथ। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर्स करके बताओ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। आप ही लोग करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। माइल्ड स्टील बार के लिए बोला गया, देखो D1 आपको 40 mm दिया गया है, D2 हमें 20 mm दिया गया है, लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारा 800 mm दिया गया है, और E हमारा 2×10^5 न्यूटन पर mm² दिया गया है। बोला गया है इंक्रीज इन दी लेंथ ऑफ दी रॉड विल बी, तो आपको पता है कि क्या होता है, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2 होता है। जब टेपर्ड बार आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड मैकेनिक्स में, तो आप लोगों ने कहा होगा कि ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, तो हमारे पास जो डेल्टा एल आता है, चेंज इन लेंथ हमारे पास आता है, वो क्या होता है, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2 होता है। अब आंसर्स करो कि देखो 4×20×, ये सिंकिंग फंड के क्वेश्चन तो आप लोगों के एस्टिमेटिंग के भी है, एस्टिमेटिंग पार्ट, ये सारे क्वेश्चन एक ही साथ पूछे जाते हैं। × 800 अपॉन हमारे पास आएगा π×20×40×2×10^5। करेंगे यहाँ से सॉल्व तो हमारे पास आ रहा है 2/5π। इसका मतलब आंसर जो आप लोगों का जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। किसी को कोई परेशानी? अब देखो करा है नहीं आप लोगों ने और आंसर्स मार्क कर रहे हो, ठीक है। संजय कुमार जी का बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन में बी करेक्ट होगा, कर लोगे आप लोग। अलग अलग डायमीटर्स दिए हैं तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब तो है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं। आप लोगों को एक मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन राइट आंसर्स करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ही लोग आंसर्स करोगे।
बी आंसर्स आ चुका है, क्या बी आंसर्स ही राइट होगा 42 में? सभी लोग आंसर्स जरूर करें इस क्वेश्चन को। अब देखो इजी क्वेश्चन है, पहले बता दिया, अब बी आंसर्स आप लोगों के आ चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन आंसर्स करते हैं। सभी लोग बी के साथ हैं, बी आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स का बी आ रहा है। देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, पूछा गया है शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम, अगर हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन होता है और अगर इसके बेस की बात करें तो 40 mm दे दिया है, हाइट की बात करें तो 20 mm दे दिया है, शेयर फोर्स 3 kN दे दिया है, और आप लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं कि क्या आंसर्स आ रहा है यहाँ पे। देखो शेयर स्ट्रेस एंड न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं तो हमारे पास होता है 4/3 × tau average। सभी का रॉन्ग आंसर है क्योंकि सभी ने गलत कर दिया। कैसे करा अभी पता लगेगा, इसी फॉर्मूले से लग गया होगा पता। आप लोगों ने 1.5 × tau average कर लिया। न्यूट्रल एक्सिस में ट्राइंगल का क्या होता है, 4/3 × tau average होता है। अब वी यू अपॉन बी डी आप लोगों का होता है यहाँ पे, यहाँ पे बी डी तो आएगा नहीं पहली बात, ये क्या है ट्राइंगल है, तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेस आप लोगों का 1/2 × 40 mm × 20 mm का है, तो ये हमारे पास आएगा। ओवरऑल हम यहाँ से देखेंगे तो वी यू आप लोगों को क्या दिया है, 3 kN का दिया है, इसका मतलब 3 × 10³ N आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 × 30/4 आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल और हमारा 10 ampere। इसका मतलब आंसर्स हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। यस, अब सी आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने गलत नहीं करना है, आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम हमारा 1.5 × tau average होता है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के अगर कहें तो 4/3 × tau average होता है। चलो आगे चलें 43 के साथ। द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, आप लोगों से बोला गया है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो कि हमारा एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए है, ये हमारा इवेंट है, डमी है, ड्यूरेशन है या फ्लोट है। सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए। देखो अगर एस्टिमेटेड टाइम है तो ये क्या है, इवेंट हो नहीं सकता, डमी नहीं हो सकता, फ्लोट तो रिलैक्स टाइम होता है, तो ये आंसर्स आप लोगों का जाएगा ड्यूरेशन के साथ। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 44 मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट हमारा आइसोलेटेड फाउंडेशन का, अगर क्ले सॉइल की बात करते हैं तो कितना मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट रहता है, 25, 40, 65, 100। सभी लोग आंसर्स करें 44 में। देखो अगर हम 44 की बात करते हैं तो सबको क्ले में कितना देखने को मिलेगा, क्ले में आप लोगों को आंसर्स करके बताएं 44 में क्या आंसर जाएगा। सी आंसर्स आप लोगों का जाएगा 65 mm, आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्ले के लिए। अगर सैंडी के लिए बात करें तो 40 mm आप लोगों का राइट आंसर्स होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो 44 की अगर बात करें तो 44 का सी आंसर्स करेक्ट। 45 में चलते हैं, बोला गया माउंटेनियस रीजन में हम बात करें तो कौन से टाइप की रूफ को आप लोग जनरली रिकमेंड करते हैं, तो सेट टाइप, गेबल टाइप, गैम्ब्रल टाइप, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर्स मार्क करोगे। फटाफट से आंसर्स करके बताएं सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ, बहुत ही बढ़िया। गैम्ब्रल टाइप की रूफ को हम लोग कहते हैं, जनरली इस तरीके की रूफ को हम लोग कहाँ पे रिकमेंड करते हैं, माउंटेनियस रीजन पे करते हैं। देख भी पा रहे हैं हम लोग, देखो इस तरीके की हमें रूफ देखने को मिलती है, तो इस तरीके की छतें हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, पर्वतीय इलाकों में, माउंटेनियस रीजन में हम लोग कराते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे बोला गया इनमें से कौन सा यहाँ पे ऐसी ट्री है जो कि हमारी सॉफ्ट वुड है, देवदार, सीसम, चीड़, साल, साल टेक, चीड़ देवदार। देखो सॉफ्टवुड के लिए आप लोगों से बोला गया कि आंसर्स मार्क करेंगे आप लोग, यहां पे आंसर जाएगा चीड़ देवदार। चीड़ देवदार हमारी क्या है, सॉफ्टवुड में काउंट होती है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर्स होगा। 47 में चलते हैं, बोला गया द टर्म स्ट्रिंग इज यूज फॉर, स्ट्रिंग टर्म को हम लोग किस लिए यूज करते हैं,
आंसर्स करके बताएं फटाफट से कि स्ट्रिंग हमारा क्या है, अंडर साइड इज स्टेयर की या बी ऑप्शन के साथ जाओगे या सी आंसर्स राइट होगा। 47 का सी, बहुत बढ़िया। अ स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप ऑफ अ स्टेयर, यह हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। आगे चलते हैं, देख भी रहे, देखो ये हमारा है स्ट्रिंग है। दीज आर दी स्लोपिंग मेंबर्स विच सपोर्ट दी स्टेप्स, जो कि हमारे क्या कर रहा है, स्टेप्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। आगे चलते हैं, आपसे बोला गया इनमें से कौन सा ऐसा स्टोन है जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम होती है, ग्रेनाइट, चॉक, स्लेट, सैंडस्टोन। तो प्रज्ञा गौतम जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। रवि जी वेरी गुड, ठीक है। सूरज जी वेरी नाइस, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। अब यहाँ पे क्या आंसर्स करना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या जाना चाहिए, देखिए, देखो हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ किसकी देखने को मिलेगी, ग्रेनाइट की। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 49 पे चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एक फ्लाइट में, फ्लाइट क्या होती है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स, कहने का मतलब बिल्कुल सीरीज में आप लोगों के स्टेप्स होते हैं और वो बिल्कुल आप लोग की कहीं पे रुकती नहीं है, उसके बाद फिर हमें लैंडिंग देखने को मिलता है। तो इस फ्लाइट में बोला गया है जो कि हमारी क्या है, अनब्रोकन सीरीज है स्टेप्स की, तो आप लोगों से बोला गया मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। आंसर्स करके बताएं, बहुत अच्छे भाई, वर्षा नेगी जी, प्रियंका जी, यशवन जी, दिनेश जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। वेरी गुड, सौमिक जी, प्रताप जी, श्यानदास जी, वेरी नाइस। यहाँ पे आंसर्स करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे फ्लाइट में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे होते हैं 12 और मिनिमम अगर पूछ लिया जाए तो मिनिमम आप लोगों के होते हैं 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 12 से ज़्यादा आप लोग स्टेप्स नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दी डाई कैल्शियम सिलिकेट, आप लोगों से बोला गया है ऐसा कौन सा सीमेंट है हमारा जिसमें C2S हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इस क्वेश्चन को सभी को पता है कि यह आंसर जाएगा आप लोगों का लो हीट सीमेंट के साथ, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब देखो 5 क्वेश्चंस आप लोगों के रिवीजन के लिए रखे हैं जो कि हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि N1 हमारा क्या हो गया, अपग्रेड हो गया, N2 आप लोगों का 0.65% हो गया और ये हमारा ग्रेड पर चेन लेंथ आपको 0.10% दिया है। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हमारी क्या होती है, G1 - G2/R हम लोग कहते हैं, तो 0.7 - 0.65/0.10 आप लोग करोगे तो यहाँ से हमारी लेंथ ऑफ दी वर्टिकल कर्व क्या आ रही है, यहाँ से आप लोगों की आएगी, सॉल्व कर लेना, 14 चेन्स आएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट। 52 पे चलते हैं, ब्रॉड गेज रूट की बात करिए और M+7 स्लीपर डेंसिटी आप लोगों को बोला गया है, बोला गया है नंबर ऑफ स्लीपर्स बताओ कि कितने होंगे। आंसर्स करके बताएं, ये वही क्वेश्चन है जिनमें आप लोगों ने मिस्टेक्स करी थी। देखो M+7 है, हमें पता है कि 13 हमारी ब्रॉड गेज की क्या रहती है, लेंथ रहती है, 30+7 की बात हो रही है तो हमारा क्या आंसर चला जाएगा 20 के साथ, और अगर मीटर गेज होगा तो क्या करोगे 12 मीटर के साथ आंसर्स मार्क करो, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग अच्छे आंसर्स के साथ, मानु राजपूत जी, संजय कुमार जी, सीमा सिंह जी, यशवंत जी, अजय जी, वेरी गुड। आगे चलें 53 के साथ, अब देखो इस क्वेश्चन को आप ही लोग बताएंगे भाई, क्योंकि उस दिन सब ने ये क्वेश्चन गलत करा था। बोला गया जो सेंडिंग सिग्नल होता है उसमें जो हमारा रेड बैंड होता है अगर वो 45 डिग्री में इंक्लाइंड हो जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है, अब इस क्वेश्चन को आप ही लोग आंसर्स करेंगे। क्या आंसर्स जाना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का, प्रोसीड के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब पढ़ाया हुआ आप लोग आंसर्स करते हैं तो इट मीन्स लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों का। क्या आंसर जाएगा, बी के साथ, वेरी नाइस, प्रोसीड आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये हमारा स्टॉप है, इस तरीके से अगर 45 डिग्री में इंक्लाइंड हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रोसीड है। आगे चलते हैं, द बाइंडर नॉर्मली यूज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज, ऐसा कौन सा बाइंडर है जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आप लोगों का यूज होता है,
सभी को पता है कि फ्लेक्सिबल कौन सा है, बिटोमिन है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि मिनिमम डिजाइन स्पीड हमारी क्या रहती है जब हम हिली रोड्स में रहते हैं। हेयर पिन बेंड्स की बात हो रही है, हेयर पिन बेंड मतलब कि कर्व्स की बात हो रही है हिली रोड्स में, तो मिनिमम कितनी डिजाइन स्पीड रहती है। सभी लोग आंसर्स करके बताएं, ठीक है, कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। आंसर जाएगा किस, कौन से क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो फटाफट से सभी लोग करेक्ट करेंगे। इजी क्वेश्चन है 55 का डी, 50 किलोमीटर पर घंटा। कुछ भी आंसर्स नहीं करना है, क्या आंसर्स होगा? 20 के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 20 के साथ जा रहे हैं, मिनिमम कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस ओवर होते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ आप लोगों को सीखने को मिली होगी, और साथ ही साथ क्लास लेते हो तो नोट्स, जब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ तब तक तो आप लोग भी कितनी चीज़ें नोट कर सकते हैं। और मैंने देखा भी है, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे अपने नोट्स भी दिखाए हैं, उन्होंने प्रॉपर जितनी जो प्रॉपर क्लास हुई है उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। तो अच्छा लगता है आप लोगों का डेडिकेशन देख कर भी, कि आप लोग बहुत अच्छे से सीरियसली ढंग से पढ़ाई करते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स तो पीडीएफ पीडीएफ कहते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल्स भी बता सकती हूँ जो कि प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। जब मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पे एडिशनल लिखाती हूँ वो सारे के सारे अपने नोट्स में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स का भी मुझे पता है कि कौन है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी मैं यहाँ पे चीज़ें आप लोग को एडिशनल बताती हूँ, और जो क्वेश्चंस में आप लोग गलती करते हो, देखो जिसमें सही आपने आंसर्स मार्क करा है तो इसमें तो 99.9% आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग करेक्ट आंसर्स मार्क कर लोगे। लेकिन दिक्कत उसके साथ है, जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे गलत करते हो उस क्वेश्चन को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि जो गलत कर देते हैं वो हर बात गलत होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जिस चीज़ में आप लोग मिस्टेक करते हो उस चीज को नोट करा करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में कर लेते हैं।